अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। फिल्म इंडस्ट्री से पहले कुछ महीनों से लगातार बुरी खबरें सामने आ रहे हैं। लगातार इस वक्त सभी की नजरें सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सैलन केस पर टिका हुआ है। इसी बीच 6 अगस्त 2020 को क्योंकि सास भी कोई बहू थी फेम टीवी एक्टर समीर शर्मा के सुसाइड ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं अब भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक के सुसाइड करने की खबरें सामने आए हैं। अनुपमा की बॉडी उनके मुंबई के दहीसर स्थित घर में फंदे पर लटका पाया गया। भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक की मुंबई के दहीसर स्थित उनके निवास पर कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। 40 वर्षीय अभिनेत्री ने कथित तौर पर 2 अगस्त 2020 को आत्महत्या कर लिए थे। भोजपुरी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री अनुपमा बिहार के पूर्णिया जिले से है और काम के उद्देश्य से मुंबई में रहते हैं। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले अनुपमा फेसबुक पर लाइव हुए थे जहां उन्होंने धोखा महसूस करने और किसी पर भरोसा नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने फेसबुक लाइव में कहे थे, यदि आप किसी को अपनी समस्या बताते हैं कि आप जान देने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई भी आदमी चाहे वो कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो वो आपसे दूर रहने को कहेगा ताकि आपके मरने के बाद वो मुसीबत में ना पड़ जाए। वो आपका दूसरों के सामने अनादर करेगा और मजाक उड़ाएगा, इसलिए कभी भी अपनी समस्या को किसी के साथ शेयर नहीं करें और कभी किसी को अपना दोस्त ना समझें। अभिनेत्री ने कहा, ऐसा व्यक्ति बने इस पर सब भरोसा करें लेकिन आप किसी पर ना करो। मैंने ये अपने जीवन में सीखा है, लोग बहुत मतलबी होते हैं, लोगों को किसी की परवाह नहीं है। अनुपमा के फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने ये कदम उठाने के 2 कारण बताए। इस सुसाइड नोट में लिखा, मैंने एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मलाड के विजडम प्रोड्यूसर कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। कंपनी को मेरे पैसे दिसंबर 2019 में वापस करने थे। कंपनी मेरा पैसे वापस करने में अनाकारी कर रहा है। उन्होंने कथित तौर पर मनीषा नामक एक व्यक्ति का नाम लिए है जिसने लॉकडाउन के दौरान उन्हें अपने गृहनगर में 2 व्हीलर ले लिए और फिर कभी नहीं लौटाए। पुलिस में शिकायत दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गया है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।